फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, ये जो साइंटिस्ट लोग थे जो भी काम कर रहे थे, मेलिकन और ये जितने भी एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट हैं, वो ये मान रहे थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वेव थ्योरी में। उनको नहीं मालूम था कि फोटोन नाम की चीज़ है। ये पहली बार किसने इंट्रोड्यूस की थी? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन को समझ में आई थी ये बात, बाकियों को समझ में नहीं आई थी, रिजल्ट करेक्ट थे। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी में, वेव थ्योरी के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि लाइट एक ईएम वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज, एनर्जी को भी चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं वेव पिक्चर ऑफ लाइट। ये पेपर में ज़रूर आता है, फोटोन पिक्चर, वेव पिक्चर, ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वेव पिक्चर का मतलब एक्सप्लेनेशन देना वेव थ्योरी को लेके, फोटोन पिक्चर का मतलब एक्सप्लेनेशन देना फोटोन को इमेजिन करके। ठीक, तो पहले हम करेंगे वेव पिक्चर। वेव पिक्चर तो फेल हो गई, तो कौन सी पिक्चर कामयाब हो गई? फोटोन पिक्चर। तो पहले फेलियर पढ़ लें वेव पिक्चर का। तो वेव पिक्चर का फेलियर में पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी सरफेस एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी। भाई इन्होंने कहा कि जब कोई लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वेव की। अब वेव की अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अब अगर वेव की थ्योरी की बात करें, वेव थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी को बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटोन तो बाद में पता लगा था, वो तो मैंने आपको पहले आइंस्टाइन का रिजल्ट बता दिया। इन लोगों को नहीं पता था, इनको लगा कि वेव पिक्चर का, वेव की रेडिएशंस का इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं वेव की थ्योरी को पढ़ा दूं, ठीक है, तो अगर मैं वेव की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई जब वेव की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन उड़ के तेज़ी से बाहर आएगा, जबकि ऐसा नहीं था। वेव की एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेज़ नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेज़ नहीं भागता, क्योंकि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था, इसका फ्रिक्वेंसी से लेना देना था। तो इन्होंने कहा कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है करंट बढ़ता है, रिजल्ट तो बिल्कुल सही है, पर वेव थ्योरी कह रही है जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है वेव की, और अगर एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं था, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था। ये पहला एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। सेकंड है, वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी ये मानती है कि जो जैसी रेडिएशंस गिरती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, और रेडिएशंस गिरो, एनर्जी और ले लेगा, और गिरो, जैसे वो पानी गर्म करते हैं माइक्रोवेव में 30 सेकंड 60 सेकंड वो एनर्जी लेता रहता है, और गर्म होता रहता है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसी है, एनर्जी वेव की लेता रहेगा और एनर्जी ले ले, कभी ना कभी तो भाग ही जाएगा। तो थ्रेशोल्ड का इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया वेव थ्योरी ने, तो यहाँ भी फेलियर है। नेक्स्ट है, वेव थ्योरी में इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। तो वेव थ्योरी कहती है कि पानी एक मिनट में गर्म नहीं होता, टाइम लेता है, बिल्कुल वैसे ही रेडिएशन गिरेंगी, इलेक्ट्रॉन सफिशियंट एनर्जी इकट्ठा करेगा तब जाके भागेगा, जबकि ऐसा नहीं था, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसी रेडिएशन गिरती है उसी टाइम इलेक्ट्रॉन भागता है। तो ये भी एक फेलियर था। तो आपको अगर पेपर में आए फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट्स आपने लिखने हैं, वेव पिक्चर में ये फेलियर था। ठीक है, तो